तामराध्वज साहू, अगर उनकी बात करें तो कृषक परिवार से खेती और किसान है। साहू समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ओबीसी यूनिट के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1998 से 2000 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ की पहली सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2013 से बेमित्रा सीट से विधानसभा चुनाव हारे हैं। 2014 में छत्तीसगढ़ में मोदी लहर में, जिसमें सूपड़ा साफ हो गया कई बड़े बड़े सांसदों का, उसमें एक ये सांसद थे जो डटे रहे, मतलब ये जीत गए। 2018 विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण सीट से इन्होंने चुनाव जीता और दुर्ग ग्रामीण सीट पर, क्योंकि सांसद के बाद इन्हें फिर दुर्ग ग्रामीण सीट से विधायक का टिकट मिला और इन्होंने चुनाव जीता। दुर्ग ग्रामीण सीट पर बीजेपी के जागेश्वर स्वरूप को इन्होंने 27,112 वोटों से, जो फिलहाल जो चुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने हराया है। लेकिन प्रदेश के स्तर पर वो छवि जिसे सीएम के लेकर जो चर्चा चल रही है, शायद अलग अलग इलाकों में उतना प्रभाव नहीं हो, क्योंकि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। अलग अलग इलाके हैं और कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं जिनका अपना एक वर्चस्व है।